आज हम मेडिकल का जो है फ्लायर रेडी करेंगे। और आप देख रहे हैं, हम लोगों ने जो है मेडिकल के लोगो जो है पहले से डिज़ाइन कर रखे हुए हैं और आज हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे। और आप देख रहे हैं, हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं लोगों को जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने जो है क्लिक अब छोड़ दिया और मैंने इसे जो है कंट्रोल जी करवा लिया ग्रुप। और मैं इसे जो है अब सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम फ्लायर की तरफ ले आए। और मैं अब लोगों को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ और मैंने इसे जो थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और मैं बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम डिलीट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिलीट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो मैं जो है साइड में मूव करवा रहा हूँ। और मैं बाकी का टेक्स्ट वगैरह रिमूव करवा रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम रिमूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रिमूव करवाइएगा। और मैं बाकी की डिटेल वगैरह जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और मैंने जो है सब कुछ जो है डिलीट कर लिया। आप देख रहे हैं हमारा जो है आर्ट बोर्ड क्लीन हुआ हुआ है। और अब मैंने लोगों को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा लिया है। और मैंने जो है सर्किल सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सर्किल क्रिएट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने सर्किल जो है क्रिएट कर लिया है। और मैंने जो है इसे आइस रबर की मदद से कलर भी करवा लिया है। और मैंने इसकी जो है कॉपी ले लिया कंट्रोल सी से और मैंने जो है कंट्रोल बी करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सर्किल को थोड़ा सा जो है साइज़ में बड़ा कर दिया है। और मैंने अगेन जो है आइस रबर ले लिया और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे कलर दे दिया। और मैंने दोनों को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है थोड़ा सा छोटा करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने अगेन जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सर्कल को थोड़ा सा और छोटा कर लिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने अगेन जो है कॉपी ले लिया सर्कल की। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सेट करवा रहा हूँ। और मैंने आइस रबर की मदद से इसे कलर दे दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी साइज़ जो है वो सर्कल की अगेन सेट कर रहा हूँ। और मैंने अगेन जो है इसी सर्कल को जो है कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल बी करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और मैंने आइस रबर की मदद से इसे कलर चेंज करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने सिलेक्शन टूल जो है अगेन सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं हमने जो है चार सर्किल जो है डिज़ाइन कर लिए हैं। और मैं अब लोगों को जो है सेट करवा रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और आपने देखा किस तरह से जो है मैं आर्ट बोर्ड में लोगों को जो है मूव करवा के ले आया हूँ। और मैंने ब्लू कलर जो है वो मैंने कलर में आके उसे जो है वाइट करवा दिया है। और मैंने अगेन जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया है। और मैं आइस रबर की मदद से इसे जो है कलर दे रहा हूँ। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और मैं अब लोगों को जो है अलाइन करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने इसे जो है छोटा करवा दिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और मैंने अगेन जो है सर्कल की कॉपी ले ली कंट्रोल सी से और कंट्रोल बी करवा लिया। और मैंने इसे जो थोड़ा सा बड़ा कर लिया और मैंने इसे आइस ड्रॉपर की मदद से कलर करवा लिया। और मैंने इसे जो है ग्रुप करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब डमी टेक्स्ट जो है वो टाइप करूँगा। और मैंने 35% जो है वो टाइप कर लिया है। और मैंने जो है ऑफ़ भी जो है टाइप कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने डमी जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया। और मैंने फ़ॉन्ट को जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया 35% को। और
और हम अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमने जो है अरेंज में आके बिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने फ़ॉन्ट को जो है अलाइन करवा लिया है, और मैंने आइज रबर की मदद से इसे कलर चेंज करवा लिया है। और मैंने जो है आइज रबर की मदद से जो है मैंने अगेन जो है 35% को भी जो है सेम फॉन्ट कर दिया है, ताकि हमारा जो है खूबसूरत और मॉडर्न सा जो है मेडिकल का फ्लैट जो है रेडी हो सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सर्कल का जो है कलर चेंज करवा लिया है, और मैंने जो है फ़ॉन्ट को भी सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम फ़ॉन्ट को सेट करवा रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारा काफ़ी हद तक जो है मेडिकल का फ्लैट जो है रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा ही रह गया, हमारा ये फ्लैट जो कम्प्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है, और मैंने जो है अगेन फ़ॉन्ट की जो है कॉपी ले ली है डुप्लीकेट। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइज रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है, और मैं अब डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने हेल्थ केयर जो है मैंने डमी टाइप कर लिया है, और मैंने जो है स्पेस जो है ऐड करवा लिया है। आप देख रहे हैं मैंने पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसे जो है सेट करवाऊंगा, अलाइन करवाऊंगा। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने डमी टेस्ट भी जो है डुप्लीकेट ले लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चेंज करवा लिया है, और मैंने इसे जो है पैराग्राफ में आके इसको जो है सेटिंग करवा दी है टेक्स्ट की। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसकी जो है सेटिंग करवा ली है टेक्स्ट की। और मैंने दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, और मैंने अगेन जो है टेस्ट की डुप्लीकेट ले लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने इसे जो है आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं, और मैंने जो है ब्लैक जो है सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं लेयर के अंदर आ गया, और मैं फिर से जो है लेयर के बाहर आ गया हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं टेक्स्ट को जो है आर्टबोर्ड में ले आया हूँ, और फ़ॉन्ट की साइज़ और सर्कल की साइज़ थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी। और मैं अब डमी जो है हेडिंग टाइप करूँगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैंने उसे जो है बोल्ड करवा लिया है, और मैंने थोड़ी सी हेडिंग जो है बड़ी कर दी है साइज़ में आपने। और आप देख रहे हैं हमने जो है कुछ पॉइंट जो है वो रिमूव करवा लिए हैं, और हमने जो है सर्कल भी जो है रिमूव करवा रहे हैं लेयर में अंदर आके। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने इसे जो थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है, आप चाहें तो हेल्थ पे भी जो है फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो मेडिकल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज हम जो है मेडिकल पे फ्लैट रेडी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने टेस्ट की जो डुप्लीकेट ले ली, और फिर से अगेन जो है मैंने डुप्लीकेट जो है टेस्ट की ले आया हूँ। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम सर्कल को जो है थोड़ा सा जो है बड़ा कर लिया है मैंने वाइट का। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है
मैंने जो दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और मैं थोड़ा सा जो है छोटा करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने सर्कल जो है थोड़ा सा यूनिक और मॉडर्न सा डिज़ाइन कर लिया है, और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसका वेट बढ़ा रहा हूँ और मैंने इसकी प्रोफाइल जो है चेंज करवा ली है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने थोड़ा सा और सेट करवा लिया। और आप देख रहे हैं हमने जो सर्कल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। और मैंने जो है टेस्ट को थोड़ा सा जो है राइट साइड मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम सर्कल की जो है डुप्लीकेट ले रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने अगेन जो है स्टार जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी जो है डमी आइकन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं फिल वक्त जो है स्टार ही डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैंने इसे जो है अब अलाइन करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम अलाइनमेंट में आ गए हैं और इसकी जो है अलाइनमेंट करवा ली है। और हमने जो है दोनों को ग्रुप करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैंने इनकी जो डुप्लीकेट ले ली है और मैंने इसे अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और मैंने जो पहले सर्किल जो ड्रॉ किया था मैं उसे जो है रिमूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम अगेन यही करेंगे। और मैंने सर्किल को जो है रिमूव करवा लिया है और मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने जो सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने अगेन जो है स्टार और जो है डमी टेस्ट की जो डुप्लीकेट ले आया हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने हेडिंग और टेस्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम हेडिंग जो है साइज़ में थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं। और मैंने टेस्ट को भी जो है थोड़ा सा बड़ा कर लिया और मैंने इसका साइज़ भी थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम यूनिक और मॉडर्न सा जो है मेडिकल का जो है फ्लायर रेडी करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक हमारा जो है फ्लायर रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा ही रह गया और ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सर्किल को और डमी टेस्ट को जो है राइट साइड मूव करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और मैं अगेन सर्किल के अंदर आ गया हूँ और हमने जो है सर्किल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है सर्किल ड्रॉ कर लिया है और हमने जो है आइसोप्रोपिक की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने जो है सर्किल की कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कर लिया है और कंट्रोल बी करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी साइज़ भी बड़ी कर रहा हूँ और मैंने आइज ड्रॉपर की मदद से इसको जो है कलर चेंज करवा लिया है। और आपने देखा किस तरह से जो है हम लोग अगेन जो है सर्किल की कॉपी ले रहे हैं। और मैंने कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल बी करवा लिया और मैंने जो है थोड़ा सर्किल जो है बड़ा कर लिया है और मैंने इसे आइज ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सर्किल को सेलेक्ट कर लिया है सबको। और मैं थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा जो है इसे जो है बड़ा कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है अब मैंने जो है रेक्टेंगल डिज़ाइन कर रहा हूँ और हमने जो है रेक्टेंगल डिज़ाइन कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सर्किल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा। और पाथ फाइंडर में आके हम इसे जो डिवाइड करवा देंगे। और हमने जो है इसे अनग्रुप करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है अब मैं इसे जो है आइज रबर की मदद से कलर दे रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से जो है कलर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सिलेक्शन टूल की मदद से पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं इसे जो है कलर दे रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से पहले सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जो है कलर दीजिएगा आइस ड्रॉपर से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है फ्लायर रेडी हो चुका है। और हम जो है ऊपर वाली चीज़ें जो है रिमूव करवा लेंगे, जो हमारा आर्ट बोर्ड में वो हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। और मैंने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैंने जो है अगेन
इसे जो ऊपर वालों को जो ग्रुप कर लिया सिलेक्शन रूल की मदद से, और मैंने जो है अगेन जो है हमारे जो बैक की तरफ चला गया था उससे जो मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम अब नीचे वाले सर्किल को जो है कलर ऐड करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और आपने देखा किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है कलर ऐड करवा लिया, और मैंने इसे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और आप देख रहे हैं मैं अब हेडिंग का जो है कलर जो है वो चेंज करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है चेंज करवाइएगा। और हमने जो है जब डबल क्लिक किया तो हमारा जो ऑटो टूल जो है वो सेलेक्ट हो गया है टेक्स्ट का, और आइज ड्रॉपर की मदद से मैं इसे जो है कलर करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसे जो है कलर चेंज करवा रहे हैं आइज ड्रॉपर की मदद से, आप भी इस तरीके से जो है कलर एड करवाइएगा। और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक हमारा जो है फ्लायर रेडी हो चुका है, और हमने जो हेडिंग का जो है टेक्स्ट जो है वो मैं चेक कर रहा था आइज ड्रॉपर की मदद से, और मैंने जो है अगेन ब्लैक ही करवा लिया। और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक हमारा जो है फ्लायर रेडी हो चुका है मेडिकल का। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने जो लोगों को थोड़ा सा जो है बड़ा कर लिया है, और बस इसमें जो हम इमेजेस और जो है कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करवाएंगे और हमारा जो है फ्लायर वो कम्प्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते रहें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं आइकन की डुप्लीकेट लेकर आ रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और मैंने आइकन को जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा लिया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं आइकन को छोटा करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हम इसे जो है अब सर्किल ऐड करवाएंगे, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इनकी जो है अलाइनमेंट करेंगे, और मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं सर्किल को और आइकन को अलाइन करवा रहा हूँ, और आपने देखा किस तरह से जो है हम लोगों ने अलाइन करवा लिया। और मैं अब आइकन का जो है कलर चेंज करवा रहा हूँ कलर में आके, और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा छोटा करवा लिया है। और मैं अब इसे जो है अलाइन में आके अगेन जो है मैं इसे सेट करूँगा, तो आप भी इस तरीके से जो है अलाइनमेंट्स की सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं मैंने अगेन जो है सर्कल की कॉपी ले ली है, और मैं अब लोकेशन का जो आइकन वो सेट करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम अब इसे जो अलाइनमेंट करवा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से जो अलाइनमेंट करवाइएगा। और हमने जो है अलाइनमेंट करवा ली है, और मैंने आइकन का जो है कलर चेंज करवा लिया है ब्लैक से वाइट में। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम अब जो है आइकन जो है मूव कर रहे हैं, और हम जो है सर्कल में ऐड करवाएंगे। और मैंने जो है सर्कल को जो है सेलेक्ट कर लिया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसका जो है कलर चेंज करवा लिया है। और मैंने जो है अब सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने इन्हें जो है ग्रुप करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो है हम लोगों ने सब आइकन को जो है ग्रुप करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसके अब अलाइन करवाऊँगा, आप भी इस तरीके से जो है अलाइन करवाइएगा। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे जो है अलाइन करवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमने जो है आइकन आइलाइन करवा दिए हैं, और मैं अभी इससे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया है। और अब मैं जो है कॉन्टेक्ट डिटेल जो है बाकी ऐड करवाऊंगा, और हमारा जो है फ्लायर है रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल की जो डुप्लीकेट ले आया हूँ, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने पैराग्राफ में आके इससे जो है लेफ्ट अलाइन करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब इसे सेट करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने इससे जो है सेमी बोल्ड करवा लिया है, और मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसमें स्पेस जो है वो ऐड करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है स्पेस ऐड करवाइएगा। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है फ्लायर रेडी कर चुके हैं, और हमने जो है अब सबको सेट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं टेक्स्ट को और आइकन को जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ, और मैंने जो है इसे अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने इसे जो थोड़ा सा छोटा करवा लिया है, और मैंने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरह मूव करवा लिया है।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं टेस्ट की अलाइनमेंट कर रहा हूँ, आप भी तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने कॉन्टेक्ट डिटेल जो सेट करवा लिया, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है फ्लाई रेडी हो चुका है। बस थोड़ी सी मज़ी सेटिंग है और हमारा जो है फ्लाई कम्प्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी स्पेस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, आप भी तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है फ्लाई रेडी कर चुके हैं मेडिकल का, और मैंने आइकन को और बाकी की डिटेल को जो है सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैं अब इसे जो है थोड़ा सा जो है सेट करवाऊंगा, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसमें जो स्पेस जो है ऐड करवा लिया फ़ॉन्ट के अंदर, और हमने जो है इसे एक्स्ट्रा बोल्ड करवा लिया। और बस थोड़ा सा हम इसे सेट करवाएंगे और हमारा जो है ये फ्लायर कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइकन को टेस्ट को थोड़ा सा बड़ा करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और मैं अब जो है इमेज जो है वो ड्रैग करवा के लेकर आऊँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आया हूँ, और हम इसे जो है इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क करवाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इमेज को जो है छोटा करवा रहा हूँ। और हमने जो है इमेज को कंट्रोल एक्स करवा लिया है, और मैंने इसे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सेलेक्ट कर लिया सर्किल को, और मैंने कंट्रोल बी करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और मैंने इन्हें जो है मैं क्लिपिंग मास्क करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इमेज को जो है सेट करवा रहा हूँ, आप भी तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारी एक हेडिंग जो है वो रह गई थी, और मैंने उसे जो है आइज रबर की मदद से जो है कलर दे दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है मेडिकल का जो है फ्लायर रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब थोड़ी सी जो है सेटिंग कर रहा हूँ, और बस थोड़ी सी हमारी अलाइनमेंट रह गई है और हमारा जो है मेडिकल का फ्लायर वो रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं टेक्स को जो है राइट साइड मूव करवा रहा हूँ, और मैंने जो है पेन टूल को भी जो है थोड़ा सा सेट करवा लिया। और हमने जो है मेडिकल का फ्लायर जो रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।